इस पेड़ की शाखाएं देखो, लग रहा है किसी के गम में सूख गया ये। तो गाइस फाइनली मेरा स्टॉप पड़ चुका है, आया हूँ अभी फिलहाल इस मस्जिद में जो कि मेरा मन कर रहा था। काफी प्यारी मस्जिद है, हिस्टोरिकल मस्जिद है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू नया व्लॉग। आज हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं, दिन की शुरुआत कुछ यूं कर रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ मुस्कान को मार्केट छोड़ने के लिए। मुस्कान की चलेगी शॉपिंग सिलमपुर मार्केट से और मैं जाऊंगा एक दो जगह, और मेरी जगह कौन सी होगी वो अभी डिसाइड मैंने कर लिया, मगर बताऊंगा व्लॉग में, सब कुछ करके दिखाना है। मायशा को भी हमने तैयार कर दिया है, रोज रोज मायशा का घूमना हो रहा है कंटिन्यूसली, कभी कहीं तो कभी कहीं, रोज ये बच्चा घूमने में बिजी रहता है। अब बताओ बड़े हो गए जब तुम ये अपने व्लॉग देखोगी, सारी मेमोरीज तुमको की क्या बात है भाई, मैं कहाँ कहाँ घूम के आई मुझे पता भी नहीं, फिर तुम हमें बाद में क्लेम नहीं कर सकती कि हमने तुम्हें कहीं घुमाया नहीं। सही बात है ना, हम तुम्हें प्रूफ दिखा सकते हैं। चलो आप जल्दी निकलते हैं, मुस्कान को छोड़ दूंगा मार्केट में और मैं निकल जाऊंगा। तो भाई अभी बाहर निकले हैं, बहुत तगड़े जाम के अंदर फंस गए यार। यहाँ सारी मार्केट लगती है ना बाजार, जिसकी वजह से बहुत ट्रैफिक होता है, ज्यादा ट्रैफिक यहाँ यूँ होता है कि ये रोड छोटे हैं ना और चलती हैं बसेस, बड़ी बड़ी बसेस हैं। तो भाई अभी जाम बहुत हो रहा है, मैंने गाड़ी लगा दी, मैं जा रहा हूँ पैदल। मुस्कान को मैंने छोड़ दिया ऑलरेडी, कितना ट्रैफिक है, कैसे अड़ास हमें निकलना पड़ता है यार यहाँ से। मजाक कर रहा था, मैं किसी काम से गया था, गाड़ी मेरी पीछे ही, अब गाड़ी निकाल रहा हूँ और लेके जा रहा हूँ। अब शुक्रे आगे तक तो पहुँचा मैं, रेड लाइट तक। पहले लगाता हूँ मैं हेलमेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ट्रैफिक चल गया है, रास्ते में ट्रैफिक ना मिले बस ये मेरी मनोकामना रहे। गलो यार, देखो एक पॉइंट गिर गया, फोर्थ है, थ्री हो गए, और मेरे अकॉर्डिंगली ये थ्री भी जाने वाला है, इसलिए आजकल पेट्रोल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है यार। तड़कती फड़कती धूप है मगर धूप में नमी है, कहते हैं ना कि मौसम सही रहता है। इतने सारे कबूतर, इस पेड़ की शाखाएं देखो, लग रहा है किसी के गम में सूख गया ये, किसी का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा है, कोई धोखा देगा इसे। तो गाइस फाइनली मेरा स्टॉप पड़ चुका है, मैं आया हूँ अभी फिलहाल इस मस्जिद में जो कि मेरा मन कर रहा था, अंदर से शूट नहीं करूँगा बस वैसे ही बता रहा हूँ। अब यहाँ 15-20 मिनट थोड़ा आराम करके फिर निकलेंगे। काफ़ी प्यारी मस्जिद है, हिस्टोरिकल मस्जिद है, हमारा जब टूर पड़ेगा तो ये मस्जिद भी शामिल होगी, फिलहाल अभी अजान चल रही है। ये है मस्जिद का एंट्रेंस, तो अब थोड़ा इंतज़ार करते हैं फिर चलते हैं। तो अभी आधे घंटे बैठ के मैं बाहर निकल गया हूँ, बस मेरा बहुत मन था काफ़ी टाइम से, मैं आ गया, कभी कभी मेरा मन करता तो मैं आ जाता हूँ। ये है सुनहरी मस्जिद दरियागंज पर, काफ़ी खूबसूरत हिस्टोरिकल मस्जिद है, और जब हम आगे चल के ब्लॉग करेंगे तो ये मस्जिद ज़रूर शामिल होगी। अभी तो निकलते हैं गाड़ी निकाल के, और एक बार हम यहाँ से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है। ये पीछे बैक साइड एरिया है, लाल किले का रास्ता है जाने के लिए, तो यहाँ से सब विजिट करते हैं, और यही मस्जिद है। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ वापस अपने घर पे, और चलते हैं फटाफट से कैट्स के रूम में, उनको खाना वगैरह देते हैं। ये भी एक मेरी बड़ी सही की ड्यूटी है जो कि इनको खाने का इनका ख्याल रखना पड़ता है। देखो वहाँ वो खेलने में बिजी हैं दोनों, खाना खत्म है, ये उल्टा सीधा ऐसे फेंक देते हैं, इनको कदर नहीं है खाने की। क्या हो गया, खाना चाहिए, मतलब मुझे देखते ही फौरन भागती, जितना भी खाना बचा कुचा होता है पहले वो समेटती है, और अब आ रहा है बस इनको अब खाना चाहिए, इनको खाना डालते हैं पहले, तो फटाफट ये समेटते हैं। क्या चाहिए तुम्हें, खाना चाहिए, तुम्हें भी खाना चाहिए, ये तो ऑलरेडी खा रही है, उसको भी खाना चाहिए, ये यहाँ पर बैठा है इसको भी खाना चाहिए, इसको भी चाहिए, सबको खाना चाहिए, तुम सबको खाना चाहिए, कितना खाना खाओगे बताओ। चलो मैं लेके आ रहा हूँ, रुको तुम्हारे लिए, इसको तो भाई कोई पता ही नहीं है, जो बचा कुचा है ना वो सब निपटाने में लगी रहती है। किससे पूछ के आयो बाहर, किससे पूछ के आयो, और तू किससे पूछ के, किससे पूछ के आइए, निकल 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 अंदर, तू भी यहाँ बैठा हुआ। लो खाना आ गया तुम्हारा, खाओ, तू यहाँ आ जा, तेरा खाना ये रहा, चलो चलो सब खा लो आराम से, जाओ वहाँ पे जाके खाओ। पानी इन्हें ओढ़ देते हैं, ये रोज की ड्यूटी है, बढ़िया है, चलो कोई बात नहीं यार, इनका नसीब जैसा भी है। फिलहाल तो ये देखो अच्छी खासी हो रही है, बढ़ रही है, वो भी पूरा भालू हो रहा है, पूरा भालू, चल खा ले, डिस्टर्ब नहीं कर रहा। एक छोटा ब्लैक वाला नजर नहीं आ रहा यार, पता नहीं कहाँ चला गया, बहुत देर से देख रहा हूँ मैं इस रूम में। ओ देखो 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 बाहर, तो किससे पूछ के बाहर गया, भाग गया अंदर। घर में आते ही सबसे पहले मेरी ये ड्यूटी होती है कैट्स को देखा भाली करना, और फिर उसके बाद से इस बच्चे के हाल चाल जानने। बच्चू बताओ, घूम के आ गई हो आज तुम, मजा आ गया आज तुम्हें, बहुत मजा आ गया तुम्हें, रोज मजे आ रहे हैं। अब कहाँ जाना कल, कल फिर जाएगा बच्चू घूमने। अब ये बताओ तुम मेरे को, शॉपिंग तुमने क्या की है, दिखा तो दो, हम तुम्हारा सामान हम भी तो देखें ना, तुम्हारी कौन सी शॉपिंग ऐसी हो गई है जो लगातार चलती रहती है, कभी कुछ लगातार शॉपिंग है। ये तो हमने मेरे ख्याल से कल लिए थे ना, आई थिंक हाँ कल वाले व्लॉग में लिए थे हमने। और क्या है ये वाला सूट, कुछ ज्यादा मोटा नहीं है, चलो सर्दियों के अकॉर्डिंग लिए, ठीक है बढ़िया है, सही है, परफेक्ट लग रहा है। दूसरा दिखाओ, क्या हुआ क्या हुआ, कुछ भी नहीं, खेलती रहो बस आराम से। तुम्हारा सूट आया देखो, वो रखा, ये मायशू की हाई नेक है, ये हाई नेक है, ये भी सर्दी के लिए, और ये इनर, हाँ ये इनर
हाइन्स हैं, बड़ी बड़ी लगी। क्या बड़ी बड़ी, क्या बड़ी बड़ी हाइन? ये बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है, मगर देखो ये ना, ये नीचे तक आ जाएगी पैरों तक, तो फिर पजामा पहनाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी में काम हो जाएगा। यहाँ सिलाई लगा दो और यहाँ कट लगा दो, बस छुट्टी, टांगे बाहर निकल जाएंगी, सारा काम हो जाएगा, बढ़िया। और ये क्या है, ये भी इनर है, ये भी इनर है, ये भी इनर है, और ये सूट है ना यार, इनर्स वाला। अच्छा, ये पूरे पूरे सूट है इसके अंदर पहनाने के, चलो सही है, गर्मी के अकॉर्डिंगली, सर्दी के अकॉर्डिंगली, सॉरी। हाँ, और ये तुम्हारा है, एक टॉप है बेचारा, एक ही टॉप लिया। तुमने ये एक ही टॉप लिया है खाली? हाँ। क्या कहें, बस सही है, चलो काम चलाओ। और क्या लिया? बस यही लिया तुमने? इतना तुमने टाइम खराब किया शॉपिंग, तुमने इतनी सी की है बस? ग्लास, चलो सही लग रही है, ग्लास काफी बढ़िया है, क्वालिटी दार वाला है, अच्छा है, सही रहेगा। कभी दारू वारू पी नहीं हो ना, तो इसमें आराम से पी लेंगे भर के, मतलब मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। माइशो, तुम्हारे कपड़े आ गए बहुत सारे, बस रहन दो, एक तुमने तोड़ दिया, वैसे कभी तुम उसका दोबारा से काम दिखा दो। मैं समझ रहा था तुमने बहुत सारी शॉपिंग की है, मगर ये तो कुछ भी नहीं है यार। पता लगा अब तुम्हें, जब मैं बाहर जाता हूँ ना, फिर तुम कहती हो हर बारी का इतना टाइम लगाते हो, लगा तो नहीं तुम्हें, पता लगा बेटा? जो चीज़ इंसान भुगतता है ना, उसको पता लगता है, इस वजह से टाइम लगता है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। ट्रैफिक की बात नहीं है, आज थर्सडे था और आज मार्केट लगती है। चलो भाई, दबे वो देखो, टांगे हवा में ऊपर बांध दूं ऐसा करके। तो फिलहाल तो आज का दिन हमारा कुछ रहा ऐसा, कल हमें क्या करना होगा ये हम अभी कुछ भी नहीं जानते, सुबह उठने के बाद से देखेंगे कि हमें क्या शेड्यूल सेट करने हैं। एंड बाय द वे, दो तीन दिन के बाद में मैं आपको बता दूं एक सबसे बड़ी बात, वो ये है कि दिल्ली की मेरी सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, सबसे बड़ी, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं पूरी दिल्ली कवर करने वाला हूँ, चाहे पुरानी दिल्ली हो या फिर नई दिल्ली हो, पूरी हिस्ट्रिकल जितनी भी सारी जगहें हैं वो सब कवर होगा। स्पेशली इसके अंदर मैं फूड, हाँ हम फूडी ब्लॉगर भी बनेंगे थोड़ा बहुत, मतलब कुछ कुछ समय के लिए हम फूडी ब्लॉगर भी बनते हुए नजर आएंगे। साथ में जितनी भी सारी मशहूर खाने पीने की दुकानें हैं वो सब कवर करेंगे, हिस्ट्रिकल जगहें हैं वो सब कवर करेंगे, जितने भी सारे इंडिया में, सॉरी दिल्ली में जितने भी सारे गेट्स हो गए वो सब कवर करने हैं, लोकेशन से कवर करनी है, मार्केट से कवर करनी है, बहुत कुछ है। इसलिए मुझे 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा ये पूरा शूट करने में। बीच बीच में जैसे जैसे एडिटिंग होती रहेगी, कोशिश करूंगा कि डेली ब्लॉग आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा काम होता है एडिट करना। इसलिए ब्लॉग शूट तो हो जाता जल्दी, मगर मेन काम उसको एडिटिंग करना होता है। अब एडिटिंग भी साथ में चलेगी और शूट भी साथ में चलेगा, टफ तो होगा, मगर मुझे मजा जब आएगा जब ज्यादा से ज्यादा आप प्यार दिखाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों में, पूरा दिल्ली अच्छे से एक व्लॉग चैनल के अंदर दर्शा देनी है। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, अगर आप एक्साइटेड हैं तो मुझे बताओ कमेंट में लिख के। एंड फिर दिल्ली के बाद से हमारे बहुत सारे शेड्यूल होंगे इंडिया को कवर करने के, फिर उसके बाद से आउट ऑफ दुनिया भी, मतलब दुनिया के बाहर भी जाके हो सकता है कि कवर करें, ये तो खैर मजाक की बात है। मगर बहरहाल जैसे जैसे मौका लगेगा, जैसे जैसे मुझसे पॉसिबल होगा, वैसे वैसे काम किया जाएगा इस चैनल के द्वारा। एंड जो भी कमी पेशी होगी वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे। एंड साथ में इसमें पार्टिसिपेट ये होगा कि जब कभी मैं लोकेशन पर पहुंचूंगा तो उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि मैं जा रहा हूं वहां, अगर आप चाहें मिलना या फिर आप उस व्लॉग का पार्ट बनना चाहते हैं, उस व्लॉग की फ्रेमिंग में आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको भी व्लॉग में लिया जाएगा। फिलहाल अब करते हैं इस वाले व्लॉग की यहीं पर समाप्ति। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भर भर के कीजिएगा। जिंदगी रही तो मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, कम बैक।